हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है होई अष्टमी, तो आज का मेरा फास्ट है और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। बस पीलिया उड़ना बाकी है, तो पीलिया उड़ के मैं सुनूंगी कथा। मम्मी सुनाने वाली है कथा और मैं यही वाला पीलिया उड़ती हूँ। ये यश हुई थी तब आई थी। यश वाला तो अभी रखा ही है, वो मैंने कभी नहीं पहना है, एक या दो बार ही पहना होगा। ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इसलिए। और वो ना साइड में पिन वाला है ना, तो वो मुझे कम अच्छा लगता है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने निकाली बायने की साड़ी, जो बायना वगैरह रखते हैं वो साड़ी, और फिर चले गई मैं बाहर मम्मी से कथा सुनने के लिए। तो मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी, बस कथा सुनानी बाकी थी और चाची भी आ चुकी थी, तो हम तीनों साथ में ही सुनते हैं, मैं, मम्मी और चाची। तो हमने अहोई माता की कथा सुनी और मम्मी ही सुनाती है हमें हर बार कथा, और हम लोग यही कथा करते हैं जहाँ पे मैंने दीवार पे ये बनाई थी माता, और अहोई माता की और करवा चौथ की और दिवाली का पूजन हमारे यहीं पे होता है। और कथा सुनने के बाद हम चले गए सूरज जी को जल देने, और हम लोग छत पे नहीं गए थे जल देने के लिए, जो हमारा पीछे वाला घर है ना उसमें गए थे। वहाँ पे बहुत अच्छे से सूरज जी दिखाई दे रहे थे और वहाँ पे हमने सूर्य देव को अर्घ दिया और सूर्य देव की पूजा की। और आज जो ये मैंने साड़ी पहनी है ना, ये हैदराबाद की साड़ी है और ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये मैंने एक बार पहले भी पहनी थी, जब मैं स्कूल में टीचर थी ना, तो उनका ड्रेस कोड इसी कलर का था, तो मैंने यही वाली साड़ी पहनी थी। उसके बाद फिर करनी थी बायने की तैयारी, तो सबसे पहले तो जो लक्ष्मी माता बना रखी है और होई माता होती है उनको, मतलब जी माते हैं ना, वो करना था। तो खीर और पूड़े, ये दो चीज़ें बनी थी, तो उनसे पहले मैंने उनको जिमाया। उसके बाद फिर मैंने अपना बायने का जो सामान था उसको, उस पर क्या क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता, तो बायना निकालते हैं ना, वो निकाला और मम्मी को दिया, और चाची भी थी तो मैंने चाची को पैसे ही दिए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना सास को देते हैं, तो मैंने मम्मी को ये सब दे दिया था। और फिर चाची को मैंने पैसे दिए और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अभी आ गई हूँ मैं रूम में और मुझे लग रहा है बहुत तेज प्यास, तो मैं अपना पानी साथ में लेके आई हूँ, मैं पानी पीऊँगी। मुझे सुबह से मतलब बहुत तेज़ प्यास लग गई, 12 बज रहे हैं 12:30 बजे का टाइम है, और आज तो सुबह से कुछ भी नहीं लिया था, तो पानी की प्यास लग गई। अभी फिलहाल मैं पानी ही पीने वाली हूँ। जल है तो जीवन है, ये बात सच है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो अभी आगे और क्या करूँगी वो मैं दिखा दूँगी आपको वीडियो में। और खाना आज सुबह जल्दी बन ही गया था, क्योंकि हम लोग ठंडा ही खाते हैं और हमारा फास्ट बस इतना ही होता है कि जब तक हम कहानी सुनते हैं 1 बजे 2 बजे जितने बजे भी हम लोग कहानी सुनते हैं, मतलब 12 बजे के बाद तक का फास्ट होता है, उसके बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन अभी मन नहीं है, अभी खाने की इच्छा नहीं है, बस पानी की इच्छा है, तो मैंने पानी तो अभी और पीऊँगी, पानी पीना है। और खाने में बनी है आज पूड़े, खीर, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज़ें बनी है, और सुबह बना के रख दिया था क्योंकि ये सब ठंडा खाना होता है, गर्म चीज़ें नहीं खानी होती, इसलिए पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद जो भी होगा वो खा लेंगे हम लोग। अभी भूख नहीं है, जब खाऊंगी तब। और अभी बच्चे स्कूल में अभी आए नहीं है, ठीक है मम्मी? और मम्मी कहानी सुनाने के लिए जा रही है अभी, आज अभी भी कहानी सुना के ही आई थी, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको, क्योंकि आसपास में सभी बुला के लेके जाते हैं ना उनको कहानी सुनाने के लिए, इसलिए। और खाना मैंने खाया था शायद 2:30 या 3 बजे के करीब, क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं ना इसलिए। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद करनी थी शाम के खाने की तैयारी। तो ये मैं दाल बना रही थी, मूंग की, जो येलो दाल होती है ना वो, क्योंकि चने वगैरह की तो मेरी बंद है, तो मैं मूंग की दाल और हरी सब्जियां वगैरह यही सब खाती हूँ, तो ज़्यादातर अब घर में यही सब चीज़ें बनती है, तो बच्चे तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों से, लेकिन दाल खा लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है यश को तो दाल। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी ना ये वाली जो वॉल है ना, इसके ऊपर 2 तरीके के पेंट है, ये नीचे से हट गया था तो मैंने इस पे वाइट पुट्टी कर दी थी, लेकिन ये पेंट नहीं हुआ था, तो अब धर्मशी कर रहे हैं इस पे पेंट, पूरी पे ऐसा ही कर देना, ज़्यादा पतला है जी ये, तो इस पे पेंट करना है अभी, पूरा पिंक पिंक हो जाएगी अब ये वॉल, बहुत गंदी लगती थी मुझे तो ये।
पतला नहीं लग रहा आपको ये है? नहीं लग रहा क्या? कुछ कलर तो दिख भी नहीं रहा मुझे। ऊपर से करते लेके आते फिर सही दिखता। देखो कितना डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है। हाँ देख ऊपर का सही लगा है, नीचे का ना दो बार हो जाएगा शायद तब सही लगेगा। ऊपर पहले ही पेंट है ना तब सही लग रहा है। अभी धर्मश्री करेंगे इस पे पेंट। सारी वॉल पे अलग अलग हो गया, इस पे लाइट, इस पे भी पिंक पिंक सही है, इस वाली पे भी, और ये हमारी थोड़ी सी डिजाइनर वॉल है और ये अलग थी। तो अभी इस पे और हो जाता है पेंट, फिर दिखाऊंगी मैं आपको ये वॉल कैसी लग रही है। इस पे तितली वगैरह लगवाई थी धर्मश्री ने, उड़ना था बगीचे में। देखिए वैसे अच्छा लग रहा है ऊपर वाला। और आज तो हम लोग जल्दी से अपने काम में लग गए थे क्योंकि आज साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा करनी थी और दिवाली भी पास ही आ रही है, तो एक वॉल हमारी एक वॉशरूम की ना काफ़ी गंदी लग रही थी क्योंकि मैंने नीचे इसके पुट्टी कर दी थी क्योंकि जो पेंट था वो हट गया था। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इसको कोई पेंट वेंट नहीं किया था, बस पुट्टी लगा दी थी, तो इसीलिए फिर ये वाली वॉल हमने ना पेंट कर दी। बाकी पूरे घर में कहीं पे भी नहीं कराया है। हाँ बाहर का मेन गेट जो है उस पे भी होगा पेंट, तो यही दो चीज़ें हमने पेंट की और मैंने और धर्मश्री ने मिलके ही कर दी ये। उसके बाद फिर करनी थी बाकी की साफ़ सफाई, तो गेट वगैरह जितने भी थे सारे साफ़ किए। उसके बाद फिर मैंने बालों में मेहंदी भी लगा के रख ली थी बीच में, तो सारा झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद फिर मैं नहा धो के हो गई रेडी। और करीबन टाइम बज रहा था अभी शायद 1 बज चुका था और यासी भी स्कूल से आ गई थी, तो इतना लेट हो गई थी आज मैं। और अभी फिर मुझे खाना है, खाना तो सबसे पहले अब मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे लग रही है काफ़ी भूख, क्योंकि मैं नहाने से पहले कुछ भी नहीं खा सकती, खाना वगैरह मुझे अच्छा ही नहीं लगता नहाने से पहले। और उसके बाद फिर जब खाना वगैरह हो गया था उसके बाद फिर ये आंटी आ गई थी जो दिए वगैरह हमें देती है, तो वो दिए वगैरह हमें लेने थे, तो मैं और मम्मी अपने दिए सेलेक्ट कर रहे थे, तो मैंने काफ़ी सारे दिए लिए इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा दिए जलाऊंगी मैं। तो ये हमारे घर पे ही आ जाती है हर साल, हम लोग यहीं से लेते हैं। शाम मतलब रात होने वाली है, तो मैं बना रही थी अभी पालक के पराठे। तो मैंने आटा छान लिया है, पालक मैंने पीस लिया है और मैं पालक के पराठे बनाने वाली हूँ। तो आटा लगा लेती हूँ सबसे पहले तो मैं, और सबसे पहले तो मैंने आटे में पालक मिक्स किया और उसके बाद फिर इसमें डाला नमक और चुटकी भर हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये सब चीज़ें मैंने डाली क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। और मैं पराठे बनाने वाली थी लेकिन बाद में फिर धर्मश्री ने मना कर दिया कि रोटियां बना ले, तो मैंने फिर रोटियां बनाई थी। और पिसी हुई पालक का मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, पालक कट करके या फिर मेथी कट करके इस तरीके के पराठे ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन ये वाले पराठे भी बच्चों को बहुत ही पसंद आए। और अब तो सर्दियां आ गई हैं, पालक मेथी और हरी सब्जियां बहुत ही अच्छी अच्छी अब जिनके पराठे बनेंगे। तो मैंने पराठे नहीं बनाए, मतलब मैंने रोटियां बनाई थी क्योंकि धर्मश्री ने मना कर दिया था कि रात के टाइम पराठे मत बनाना, तो रोटियां भी बड़ी टेस्टी लगी थी इनकी। और मॉर्निंग में जब इनके पराठे बना के खाते ना मेथी के या फिर पालक के, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हाँ बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और वीडियो का एंड मतलब व्लॉग का एंड मैं आज करना भूल गई थी, तो मैंने कल करा था, तो उसी से आप मेरी वीडियो को बाय बोलो। तो बस अभी खाना वगैरह बना के खाना बाकी है, तो बस ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।